बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर की, बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल द सेक्टर, जरूरी नहीं कि ये सारे सेक्टर को अफेक्ट करे। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे जो आपका ठीक है हॉस्पिटल थे, मेडिसिन थे, ये सब कंपनी क्या कर रही थी, प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है, इसको अफेक्ट नहीं पा रहा था, है कि नहीं। जैसे होटल को अफेक्ट किया, बाकी चीज़ों को अफेक्ट किया, लेकिन जो सर्विस सेक्टर था वो प्रभाव नहीं पड़ा। बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये क्लोजली लिंक होता है किससे, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो बिजनेस साइकिल इसका मतलब क्या कर रहा है, आपका अप जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक फोरकास्ट जो होता है और नॉट परफेक्टली रिलायबल, यानी ध्यान, तो जो हम फोरकास्ट करते हैं वो जरूरी नहीं कि पूरा 100% सही हो, सिर्फ ये आपको बट कैन हेल्प द बिजनेस टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस, ये आपको मदद करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले सको, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका बिजनेस साइकिल का, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ